हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। और गाइज रोब्लॉक्स में आज हमारा चैलेंज है स्टैक द रैगडॉल्स। सो गाइज आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैलेंज है भाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सामने यार अलग अलग लेवल के ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जैसे ये रेड वाला, लेकिन इसको हम लोगों ने इजिली पार कर लिया। अब जो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है, इसके सामने आपने देखा मैंने कैसे भी लाश गिराई, ऐसे ही हम लोग को नॉन स्टॉप अपनी लाशें गिराते जानी है। और फाइनली जब इतनी लाशें हो जाएंगी कि हम लोग अपने लाशों के ऊपर पैर रख करके इस ऑब्स्टिकल को पार कर लेंगे, तो हमारा ये ऑब्स्टिकल भी पार हो जाएगा और लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बहुत ही ज्यादा सिक पर्सन हो भाई, कौन अपनी लाश पर कदम रखता है भाई। अबे क्या बोलूं यार, कभी कभी करना पड़ता है। ओके गाइस चलो चलो जल्दी चलो, अभी टाइम नहीं है यहाँ पे बर्बाद करने। किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर लाशें बिछाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है गाइस कि लाशें धीरे धीरे डिस्पॉन हो रही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रीन वाली है, तो चलो जल्दी से इसको भी करते हैं यहाँ पर। या बूम, नाउ दैट्स हाउ वी डू इट। और हमारे सामने अभी ये ब्लू वाले में भी यार लाशें डिसअपीयर हो रही है। कम ऑन चॉप, जल्दी करना पड़ेगा। वो एक ही बार में हो गया, वाओ। और तो भाई ये पिंक वाले पे तो कितने सारे लोगों की लाशें पड़ी है भाई। अबे तो इन्हीं के बीच में से तो हम लोग को भी जाना है यार, जल्दी कर भाई, नहीं तो यार सब कोई आगे निकल जाएंगे। गाइस अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे आए हुए। अरे नहीं, मेरी लाश यार इतनी नीचे कैसे गिर गई। जल्दी 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 हम लोगों को यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, चॉप पहाड़ बनाना पड़ेगा। तू जल्दी स्पॉन हो और फटाक से मर जा। और तो भाई वही तो कर रहा हूँ, मैं भी तेजी से ही मर रहा हूँ भाई। ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट पार हो गया था। चल चल कूद कूद कूद, ये पता नहीं कैसे लेकिन यार हो गया। चलो चलो, ओ ये क्या हो रहा है भाई, दो कैसे पार कर लिया अपन लोग ने, पता नहीं यार कोई ग्लिच था। लेकिन हमें क्या है, हमें तो यार फिनिश लाइन तक पहुंचना है। और आप लोग देख सकते हो सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अपना मेहनत दिखा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे मेहनत करेंगे गाइस, डोंट वरी, जितना हो सकता है उतना बॉडीज हम लोग बिछाएंगे। ओए ये कौन आ गया भाई, इतना बड़ा शरीर वाला। भाई साहब इससे बच के रहना पड़ेगा यहाँ पर गाइस, नहीं तो पता चला कि हमारी बैंड बच जाएगी। अबे जल्दी मरो भाई, जल्दी मरो। फर्स्ट भाई ये तो हमारी मदद कर रहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई। अबे हाँ एक्चुअली में इसका बॉडी को हम लोग इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं गाइस। फर्स्ट भाई आप कितने बार मर गए भाई। अबे मैं 92 बार मर चुका हूँ यार, ये बहुत ज्यादा होता है गाइस, इतने छोटे समय में इतना ज्यादा बार कैसे मर गए अपन लोग। फर्स्ट भाई देखो भाई एक आइडिया बताओ क्या मैं आपको। हाँ जल्दी बोल, क्या आइडिया है तेरे पास। फर्स्ट भाई देखो ये जो बड़ा बंदा है ना, इसका बॉडी को आप फाउंडेशन के जैसा समझो, ठीक है, और अपन लोग सीमेंट है, तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। हाँ हाँ आगे आगे बता भाई, प्लान क्या है, इसमें प्लान तो समझ ही नहीं आया। फर्स्ट भाई तू उसी बिल्डिंग पे चढ़ के अपन लोग आगे बढ़ेंगे, और क्या प्लान बताऊंगा भाई मैं आपको। हाँ एक्चुअली दिस इज नॉट अ बैड प्लान, लेकिन तेरे को नहीं लगता कि सब लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे मिलके। आई मीन ये जो बड़े लोग है भाई ये हमारे लिए रास्ता बना रहे हो, हम लोग यार इनकी बॉडी को जगह पर रख रहे हैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके। और अभी आप लोग देख सकते हो मेरा एक शरीर यार एकदम कोने में लटका हुआ है। ओए सबसे बुरी चीज यहाँ पे ये होती है कि आपका शरीर कंट्रीब्यूट ना कर पाए यार इस पहाड़ को बनाने में गाइस, क्योंकि अगर वो हो गया तो भाई आप साइड से गिर जाओगे और आपका मौत जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। एक बार सोच चौप उन लाशों को कैसा महसूस होता होगा जो इतनी गहराई में दबे हुए कि आज की डेट में उनकी कोई आवाज तक नहीं सुन पा रहा है। तो भाई आप कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई, अपना जीत पे दिमाग लगाओ तो आप रोब्लॉक्स की लाशों पे दिमाग लगा रहे हो। अबे मेरा एक लाश नीचे गिर गया गाइस, बहुत ही ज्यादा क्लोज हम लोग ऊपर पहुंचने के। कम ऑन सिर्फ दो लेवल आगे बचे हुए हैं और उसके बाद फिनिश लाइन हमारा इंतजार कर रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक बार आप फिनिश लाइन टच कर दो ना, तो आप इस मैप को दोबारा ट्राई कर सकते हो, और दोबारा ट्राई करने में अभी और मजा आता है क्योंकि आपका साइज जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद आप लोगों का जो बॉडी है एकदम इस विशाल जायंट के जैसा हो जाएगा। तो जितना रिट्राइज करोगे उतना ज्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पर यार बस अगर 10 मिनट नहीं हुए तो मैं एक और रिट्राई करूंगा, लेकिन अगर हो गए गाइस तो ये हम लोगों का फाइनल रन है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरे से हमेशा बोलते हो यार कि 10 मिनट के ऊपर की वीडियो लाया करो, बहुत ज्यादा छोटी लाते हो, तो मैं यार यहाँ पे पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को एंटरटेन कर सकूं गाइस। और फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे रैगडॉल चैलेंज तो है ही, क्यों ना यहाँ पर दबा के अपनी मौत को यार अंजाम दिया जाए ताकि हम लोग पहुंच जाए इस पहाड़ के ऊपर। और भाई पीछे देखो कितने सारे लोग मरे यार, भाई सोचो, जस्ट सोचो गाइस कि कितने लोगों को यहाँ पर अपनी जान देनी पड़ेगी तब जाके हम लोग उस पार पहुंच पाएंगे। भाई मैं तो मर रहा हूँ भाई, मतलब स्पॉन भी नहीं हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ भाई। अभी वही क्या करो, यहाँ पे ताक क्या रहे हो भाई इधर से उधर। अबे तू पागल है क्या भाई, थोड़ा देखना भी तो पड़ता है कहाँ पे मरूं, कहीं भी मर जाऊंगा तो मेरी लाश नीचे गिर जाएगी, मौत बर्बाद हो जाएगी हमारी। जैसे कि अभी ये देखो ये जो बड़ा इंसान है गाइस, इसको दिमाग नहीं है, ये कैसे मर रहा है भाई, इसकी आधी से ज्यादा लाशें तो नीचे गिर जा रही है और ऊपर से यार इतना ज्यादा लोग मर रहे, इतना ज्यादा लोग मर रहे, मेरे को तो यार स्पॉन होने का भी सेव नहीं मिलता, उसके पहले ही कोई बंदा मेरे ऊपर अपनी लाश गिरा के चला जाता है गाइस। भाई देखो क्या प्रोग्रेस कर रहा है अपन लोग, जल्दी जल्दी भरो भाई जल्दी भरो, मैं भी देख रहा हूँ कितनी बार मर चुका हूँ, मैंने बहुत मदद की है इन लोगों की भाई। हाँ दिखाई दे रहा है भाई मेरे को, ऑब्वियसली लाशों के ढेर में बहुत सारे चौप दिखाई दे रहे हैं और फ्रॉस्टी भी। ओ यस मैं ऊपर आ गया था, अरे मैंने ये स्पैम कर दिया यार, नहीं तो मैं अभी उस पार होता गाइस, डैम इट ये क्यों हुआ मेरे साथ। फर्स्ट भाई कोई बात नहीं यार, मैं आपका दर्द समझता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है ये रिग्रेट करने का, आपको मरना नहीं चाहिए था भाई ऊपर जाके, किसने बोला था मरने के लिए। अभी मैंने जानबूझ के अपनी मौत को अंजाम नहीं दिया था भाई, गलती हो गई मेरे से। चलो चलो गाइस एक और बार चलेंगे। ओए वो बड़ा वाला बंदा चला गया यार, ये चीटिंग है भाई, मेरे को भी ऊपर जाना है। फर्स्ट भाई अभी ग्लिच क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, एक बंदा पार कर लेता है
तो ग्लिच काम करने लगती है ना भाई। अबे मेरे को क्या पता, वो ग्लिच काम कर गई। जल्दी निकलो, अबे जल्दी निकलो जल्दी। ओ यस, गेट खुल गया। फाइनली गाइस, हम लोग फाइनल वाले के एकदम पास है और आप लोग देख सकते हो कितनी लाशें गिरी है यार। इमेजिन करो इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पर तो हम लोगों को अच्छा खासा समय लगने वाला है, बट आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि यार उतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोगों के साथ यार बड़े बड़े बंदे हैं। और जब गाइस अगर यहाँ पे आपका मदद जो है इतने बड़े बड़े जाइंट कर रहे हो ना, तो फिर इस गेम में यार कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती है दोस्तों। सारा काम आसान हो जाता है, आपका समय ऐसे बचता है कि आप मतलब गेम खेलने के बाद पढ़ाई भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। होस्ट भाई अपन लोग क्या करेंगे गेम खेलने के बाद भाई? पहले तो तूने जो पड़ोस के कुत्ते के ऊपर थूका है उसकी माफी मांगेगा, तू समझ गया? वो पड़ोसी मेरे को डेली यार जब भी मैं कच्चे पकड़ने जाता हूँ भाई, मेरे को गोबर फेंक के मारते तेरे ऐसे। होस्ट भाई क्या हो गया भाई, आपको ऑडियो तो बताना जरूरी नहीं था भाई। तो भाई पड़ोस के कुत्तों के साथ सही बिहेवियर रखा करना यार, मेरे को फालतू का गाली सुनवाते रहता है। होस्ट भाई ये सही बात नहीं, आप सिर्फ मेरी गलती देखते हो भाई, उनकी भी गलती। आपको पता है शमशेर हमारे घर आया तो 2-3 पहले भाई, पता उन्होंने क्या बोला उसको? मोटू बोला भाई, बेचारा रो रहा था कोने में जाकर। फिर मैंने यार उसकी मम्मी को कॉल लगा के बोला, आंटी आप इसको ले जाइए गांव में, गिल्ली डंडा खिलवाइए इसको, यहाँ पे इसका कोई इज्जत नहीं है आंटी। अबे तो हाँ ना, चला गया ना वो, हो क्या प्रॉब्लम सॉल्व? होस्ट भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ भाई, इसीलिए तो मैंने उसके ऊपर थूक दिया भाई, रॉकी के ऊपर। उनको बोलो कि आपने कुत्ते को संभाल के रखने, नहीं तो अगली बार उनके गमले में मूत के आ जाऊंगा मैं, फिर आपको वो गोबर फेंक के नहीं गाय फेंक के मारेगा भाई। अरे अरे भाई भाई भाई, तू पूरे साल का गोबर सप्लाई बैठा देगा घर में, ऐसे नहीं क्या कर यार। देख अभी रोब्लॉक्स खेल रहे। देखो गाइस यही होता है जब एक काम आपको बहुत देर तक करना पड़ता है। हम लोग यार मैटर से ही भटक गए, यहाँ पे घर के बातें कर रहे हैं अपन लोग। होस्ट भाई बोल दे रहा भाई, रॉकी को 1-on-1 जहाँ चाहे वहाँ मिलकर उसके साथ डेथ मैच करूंगा, फ्री फॉर ऑल वाला, समझ गए? अरे भाई पबजी नहीं चल रहा है भाई, रूम आईडी थोड़ी बना के बैठूंगा मैं अपने मोहल्ले में। होस्ट भाई डरता नहीं हो भाई, अगर वो चार लड़कों को भी लेके आए, चार कुत्तों को भी लेके आएगा तो सबको मारूंगा, समझ गए? चौप था मैं, मेरा किसी से डरता नहीं हूँ आपके अलावा। हाँ वही तो मैं सोचू भाई कि इतना ज्यादा हीरो कैसे बन रहा, अभी इसका रुको खाना बंद करवाता हूँ। होस्ट भाई मैं देखो कितना अच्छा डॉगी हूँ भाई, अगली बार से वो गोबर फेंकेंगे तो मैं उनके ऊपर सुसु कर दूंगा, लेकिन आज मेरे को यार आप एकदम कुत्ते वाली हड्डी दो ना भाई। अबे कुत्ते की हड्डी नहीं होती है भाई, वो नॉर्मल हड्डी होती है, तू अपने दोस्तों को खाएगा ये दिन आ गए। होस्ट भाई मतलब कुत्ते की हड्डी मतलब नहीं समझा यार, कुत्तों को जो हड्डी खिलाया जाता है वो दे रहा मेरे को प्लीज भाई, चिकन लेग पीस भाई। अच्छा ठीक है देखता हूँ भाई, कल परसों की जो चिकन होगी सड़ी हुई वही निकालता हूँ मैं तेरे लिए। होस्ट भाई ऐसे मत करो यार, मेरे को KFC ले चलो किसी दिन भाई, पेट भर के चिकन विंग्स खाऊंगा मैं। और भाई साहब इतना बड़ा बिल फड़वाएगा जो उसके पैसे कौन भरेगा? होस्ट भाई आप यार KFC वालों से बात करो ना भाई। अरे KFC वालों से पिछले बार बात करने गया था तेरे बिल के लिए भाई साहब, उन्होंने बर्तन धुलवा दिया यार बिल भरने के लिए। अब बताओ यही इज्जत है, मैं KFC में बर्तन धोऊंगा जहाँ पे बर्तन में खाना देते भी नहीं है भाई, वो पता है तेरे को कूट में खाना देते हैं। होस्ट भाई मैं क्या करूँ भाई, मेरे को चिकन लेग पीस है, मैं जाता नहीं तो देख लेना भाई आपका नाम डुबा दूंगा मैं सोसाइटी में। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है, देख वैसे अपन लोग का हो गया कंप्लीट, यहाँ पे फिनाले में चलते हैं गाइस। और एक अच्छा अभी एक्चुअली एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, सामने में यहाँ पर कप देख रहा है कितना बड़ा है। होस्ट भाई रुको तो मेरे लिए तो रुको भाई, मेरे को अकेला छोड़ दिया आपने भाई। अच्छा रुक तू आ जा, मैं तब तक आगे चल रहा हूँ। व्हाट, तू ऑलरेडी पहुंच गया? चीटर कहीं का, मेरे को पीछे रखा हुआ था। सो गाइस इस बार देखो, इस बार हम लोग ना एकदम इजीली जाएंगे, आप लोग देख सकते हो आधे ज्यादा तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। होस्ट भाई ऐसे नहीं करो भाई, मेरे को भी चलना है आगे। अबे रुकना, अबे ओ ये पार हो गया, लेट्स गो जल्दी जल्दी गाइस। इस बार ज्यादा आगे तक तो नहीं जाएंगे लेकिन एटलीस्ट रेड वाले तक जाएंगे ताकि हमारा साइज बड़ा हो सके। होस्ट भाई साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई उसके बाद? अबे मेरे को क्या पता क्या करेंगे भाई उसके बाद, अपन लोग शायद फिर से ट्राई करेंगे, हु नोज गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हो कि हम लोग दूसरे मैप में सेम चैलेंज ट्राई करें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और हम लोगों को रॉकी के साथ क्या करना चाहिए ये भी बता देना, क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है अपन लोग को, एंड आई थिंक इट इज टाइम कि हम लोग उससे बदला ले और उसको उसकी औकात दिखाए, क्योंकि भाई अब सर पानी से ऊपर जा चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, जो भी होता है भाई। देखो मेरे को यार डायलॉग बाजी नहीं करने आती, वो चॉप का काम है, हमारा काम है मैटर सॉल्व करना गाइस। वी आर हियर जस्ट फॉर द फन ऑफ बिस्किट एंड चाय, समझ गए? हम लोग पार्ले जी में मस्त एकदम चाय में बिस्किट डुबा के खाते हैं, अपना मजे में रहते हैं जैसे जेठालाल रहता है गाइस। बिस्किट खाओ, चाय पिया, बिस्किट खाओ। भाई अब देखो पे आप जा रहे हो भाई, अच्छा नहीं होगा। अरे भाई मैं रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, तेरा फेवरेट जेठालाल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को माफ कर दे। देखो गाइस देखो अभी आप लोग घर का बात नहीं करते, अभी रोब्लॉक्स पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी ऑरेंज वाला चेक पॉइंट भी पार करेंगे। डोंट वरी, देख रहे हो कैसे लाशें बिछा रहे भाई, एक और बार तो बस पार करना है गाइस, डोंट यू वरी। होस्ट भाई ये लोग भाई अभी लगता है 3-4 लोग जो है हमारे लॉबी में आ गए जो बहुत बड़े हैं भाई। हाँ मैं जानता हूँ ब्रो, इसीलिए तो हम लोग भी यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, ये देखने के लिए कि हम लोग कितना बड़ा हो सकते हैं। होस्ट भाई यहाँ पे यार 2-3 लोग मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है भाई चीटिंग करके आगे बढ़ रहे भाई, मतलब स्पॉन होते के साथ मर जा रहे भाई, इतना तेज तो मैं भी नहीं मर पाता हूँ। अबे तुम मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चीटिंग करने देना यार, ये पबजी थोड़ी चल रहा है कि चीटिंग करेंगे तो हमसे आगे निकल जाएंगे, अगर वो जल्दी मर रहे तो हमारा ही तो फायदा है ना। जैसे ये देखिए बंदा नॉन स्टॉप 3-3 बार मर गया, तो अपन लोग को क्या, अपन लोग इसकी लाश के ऊपर पैर रख के चले जाएंगे। होस्ट भाई दिमाग तो है भाई आपके अंदर, जो भी बोलो मतलब मेरे से ज्यादा ही दिमाग है भाई, इसीलिए चैनल आपका है ना भाई। हाँ तो क्या ऑब्वियस सी चीजें क्यों बोल रहा है यार, देखो निकल गया ये।
यस फाइनली। सो गाइज आई थिंक अब हम लोग यार इस येलो वाले को तो पार नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा लंबा है भाई साहब, रहने दो यार रहने दो। तो चॉप आई गेस इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, थैंक्स वॉचिंग गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया होगा, अगर मजा नहीं मजा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।